हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अमन बोला, योर लीगल एडवाइजर। आप लोगों को पता है इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 37 के अंदर क्या बता रखा है? तो इस सेक्शन के अंदर एक वर्ड को डिफाइन कर रखा है, कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ द सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। मतलब इसके अंदर ये बता रखा है कि अगर कोई पर्सन जुर्म करता है और अगर उसके साथ कोई साथ देता है तो वो जो साथ देगा वो भी जुर्मी होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर उसने साथ दिया तो उसे जुर्म में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि अगर कोई किसी पर्सन से कोई क्राइम कमिट हो जाता है और उसके साथ में कोई पर्सन को पता होता है और वो कोऑपरेट करके उस बंदे का साथ देता है, मतलब उस क्राइम को कमिट करने में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने अगर मर्डर कर दिया और दूसरा उसके साथ कोऑपरेट कर रहा था तो उसे मर्डर की सज़ा नहीं मिलेगी, उसे भी 302 मर्डर की सज़ा ही लगेगी। इसके अंदर यही सेक्शन के अंदर बता रखा है और इसके अंदर कुछ इलस्ट्रेशन भी बता रखे हैं और एक एग्जाम्पल भी लोगों ने बहुत बता रखा है कि एक मैं आपको फॉर एग्जाम्पल देता हूँ कि एक कोई क्राइम कमिट करने वाला है, ठीक है, उसके साथ में कोई एक बंदा उसके साथ कोऑपरेट कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर यूपी में किसी ने कोई इंसिडेंट करा, ठीक है, यूपी में किसी पर्सन को किडनैप कर लिया गया। किडनैप करने के बाद एक पर्सन ने उस दूसरे पर्सन का साथ दिया और वो उसे दिल्ली लेके आ गए। दिल्ली में ले जाके उन्होंने उसे मारा पीटा, ये भी दूसरा क्राइम कमिट कर दिया कि उसे मार पीट रहे हैं, किडनैप करके रखा हुआ है। मारने पीटने क्राइम करने के बाद उन्होंने क्या करा, उसे हरियाणा ले गए। हरियाणा ले जाने के बाद उन्होंने उसे जान से मार दिया, ठीक है, ये तीसरा क्राइम कमिट कर दिया, उन्होंने उसे जान से मार दिया। तो जब वो पहले किडनैप कर रहा था, जो पर्सन उस पर्सन ने उसका साथ दिया था ना, या जो उसे वो शिफ्टिंग कराते हैं, मतलब दिल्ली, मतलब यूपी से दिल्ली लेके आया तो जिस पर्सन ने साथ दिया था, या दिल्ली से हरियाणा लेके आया जिसने उसका साथ दिया था, वो सब इस एक्ट के अंदर इंक्लूड होंगे। ये नहीं है कि 302 की सज़ा सिर्फ उसे लगी, जो जो पर्सन उसको जान पूछ के जिन्हें पता था, जिन्होंने कोऑपरेट करा था, उन सबको भी इस चीज़ की सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। इसके अंदर ना तीन इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, उन इलस्ट्रेशन के अंदर ये बता रखा है कि पहले इलस्ट्रेशन में ये बता रखा है कि एक ए है और एक बी है, उसे ना जेड को मारना था। तो उन्होंने क्या करा, दोनों ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करा, दोनों ने प्लानिंग करी, दोनों ने एक दूसरे की इंटेंशन समझी कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, इंटेंशन थी। उन्होंने क्या करा, डिसाइड करा कि 6 घंटे बाद तू जहर देगा, 6 घंटे बाद मैं जहर दूंगा। तो ए ने 6 घंटे बाद जहर दिया, उसके बाद अगले पर्सन ने, मतलब बी ने 6 घंटे बाद जहर दिया। यूं करते रहे, डेली करते रहे और एट दी एंड जेड जाके मर गया, जेड को जहर दे रहे थे क्योंकि जेड मर गया। तो इसमें ये नहीं है कि एंड में जिसने जहर दिया, जैसे कि अगर एंड में बी ने जहर दिया था उसके 6 घंटे बाद वो मर गया, मतलब उसके बाद ए को मौका नहीं मिला, तो बी को हम मर्डर की सज़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें दोनों को ही सज़ा मिलेगी और इक्वल ही सज़ा मिलेगी क्योंकि दोनों कोऑपरेट कर रहे थे, सेक्शन 37 ये बताता है फर्स्ट रिलेशन में। दूसरे रिलेस्ट्रेशन के अंदर ये बता रखा है कि ए और बी समझ लिए जेलर हैं, मतलब दोनों खाना देते हैं, जो भी जेल के अंदर लोग होते हैं उन्हें खाना देते हैं। तो ए और बी ने डिसाइड करा कि जेड को हमें मारना है, जेड को हम खाना नहीं देंगे। तो ए ने पहले जेड को खाना नहीं दिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब बी की टर्न आई तो बी ने खाना नहीं दिया, ऐसे ही करते रहे, डेली करते रहे और एट दी एंड क्या हुआ, जेड जाके मर गया। तो इसमें ये नहीं होगा कि एंड में जिसने खाना नहीं दिया या ए को सज़ा मिलेगी या बी को सज़ा मिलेगी, दोनों ही ने ही कोऑपरेट करके जेड को मारने की कोशिश की थी और जेड मर गया। तो इसमें दोनों की कॉमन इंटेंशन थी, कोऑपरेट करा दोनों ने एक दूसरे के साथ, तो इसमें दोनों को इक्वल सज़ा मिलेगी 302 की मर्डर की। तीसरा इलस्ट्रेशन इसके अंदर ये है कि ए है और एक बी है, उन्हें जेड को मारना है, ठीक है, बट ए बी को नहीं जानता, बी ए को नहीं जानता। तो ए ने क्या करा, ए को गुस्से में था, ए को मारना है किसी भी तरीके से, तो ए ने क्या करा, ए ने जेड को खाना देना बंद कर दिया। उसके 6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद जब भी दूसरे पर्सन की टर्न आई खाना देने की, तो बी ने भी यही करा कि उसको खाना देना बंद कर दिया। दोनों की इंटेंशन सेम थी बट दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। और एट दी एंड क्या हुआ कि एंड में बी ने जब खाना दिया और जेड मर गया, खाना नहीं दिया तब जेड मर गया। तो इसमें हुआ क्या, ये नहीं है कि ए को सज़ा मिलेगी, इसमें दोनों ने कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो इसमें सेक्शन 37 के हिसाब से बस बी को ही सज़ा मिलेगी क्योंकि एंड में उसने खाना नहीं दिया, तो और एक दूसरे के साथ वो दोनों कोऑपरेट भी नहीं कर रहे थे। तो इस इलस्ट्रेशन के अंदर यही समझा रखा है कि अगर दोनों कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो सज़ा नहीं मिलेगी, दोनों को इक्वल सज़ा नहीं मिलेगी, दोनों इक्वल भागीदार नहीं होंगे। उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर की सज़ा लग सकती है ए पे, बट बी के ऊपर जो है जिसने खाना नहीं दिया उसके बाद वो मर गया, तो बी के ऊपर 302 मर्डर की ही सज़ा लगेगी। इसके अंदर ये इलस्ट्रेशन के अंदर तीन चीज़ों के अंदर बता रखा है। तो ऐसी लीगल टिप्स और बाकी सारे सेक्शन जानने के लिए मुझे फॉलो करते रहें। थैंक यू।